नमस्कार, बीएनएम संवाद में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। 1 जुलाई 2021 को भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के निवर्तमान कुल सचिव डॉक्टर कपिल देव प्रसाद का विदाई समारोह और नवनियुक्त कुल सचिव डॉक्टर मिहिर कुमार का स्वागत समारोह संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर आर के पी रमन ने कहा कि निवर्तमान कुल सचिव ने विश्वविद्यालय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्हें आशा है कि नवनियुक्त कुल सचिव भी नियम परिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाएंगे। 3 बज जाता था, 3:30 बज जाता था, जब मैं फोन नहीं करता था तो यही उधर से फोन करते थे, सर आप के वो कर रहे, तब हमको याद पड़ता था आज भोजन भी करना हो, तो ये तो हमको कमी महसूस होगी। लेकिन आज इन्होंने सब लोगों के बीच में वचन दिया है कि हम आते रहेंगे और देखते हैं कि कल से अपने वचन पर आरूढ़ रहते हैं। रजिस्ट्रार साहब रिटायर कर रहे हैं, अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, और इनका आज का चेहरा आप देखें कितना मुस्कुराता हुआ खिलता हुआ चेहरा है, लग ही नहीं रहा कि अवकाश ग्रहण किए, और कल से इनके चेहरे पर इतनी खुशी आई है, हमको लग रहा है कि अवकाश ग्रहण करने के बाद इनका चेहरा बहुत हल्का हुआ है और भार से मुक्त हुए हैं। ये किसी भी विपत्ति में किसी भी काम में कभी कभार मैं भी उलझ जाता था, मैं इनको पूछता था कि रजिस्ट्रार साहब ये काम कैसे होगा, तो हमको बात करते थे और वर्तमान रजिस्ट्रार साहब से भी करेंगे ही, तो यह कैसे होगा, चूँकि रजिस्ट्रार के बाद तो डीसी पर आता है, प्रोविसी पर आता है, तो कहते सर आप बेकार की चिंता करते थे कि छोटको काम में ये काम तो हुई है, तो कहते कैसे होगा ये काम होने वाला नहीं है, बोले नाश्ते। तो कहने का मतलब यह कि कितनों ही विकट स्थिति आ गई और यह धैर्य पूर्वक काम को करते थे, और उधर से आते थे कहते थे सर आज हम 48 वो संचिका डेरा पर लिख के आए, मैंने ले जाते थे और डेरा पर लिखते थे, हम सोचते थे मन ही मन वह 48 तो फिर मेरे ही मत आएगा तो लेकिन फिर भी हम तो अपना यही कर लेते थे। और सबसे बड़ी खासियत इनकी, आप लोग तो सब खासियत का वर्णन कर ही दिए, सभी लोग मिला के इनके गुणों की बखान किए हैं, सबसे बड़ी खासियत यह थी हमको दो जगह इनकी कमी निश्चित रूप से चलेगी यदि यह अपने वचन पर आरूढ़ नहीं रहेंगे, केवल मेरे लिए ही नहीं हमारे वर्तमान रजिस्ट्रार के लिए भी इनकी कमी खलेगी, हमारे प्रोविसी मैडम के लिए भी कमी खलेंगी, अपने पूर्व कुलपति अवध बाबू का भी मैं नाम निश्चित रूप से इस अवसर पर लूंगा, जो एक हीरा को तलाश करके लाए थे, जो हीरा की भूमिका में आज तक काम किए, उनके लिए मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा हीरा को तलाश के लिए। अब हमारे नए हीरे कहाँ तक खरा उतरते हैं यह तो आगे आने वाला भविष्य ही बताएगा, लेकिन हमको इतना जरूर विश्वास है, कहा गया है बार बड़ा उत्तम ने बोला है, बार बड़ा उत्तम ने कहा था जब 6 अर्थशास्त्री जमा होते हैं तो 7 मत हो जाता है, यहाँ हम लोग 2 हैं तो 2 मत मिला के बहुत ही मजबूत मत होगा, यहाँ 3रा मत नहीं होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं निवर्तमान के लिए हृदय में शब्द नहीं है, भाव विवल हो जाता हूँ, इनका चेहरा जब याद आता है तो मैं उनको हृदय से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और आगामी जीवन के लिए इसी तरह से इनका जीवन हंसता रहे खिलता रहे फलता रहे फूलता रहे और आगे जिंदगी भर ये मुस्कुराते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ नए आने वाले जो हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं उनको मैं शुभकामना देता हूँ कि जो जितनी लंबी लकीरी खींचे हैं उसके आगे हम लोगों को खींचना है, और उसको कहने के लिए तो सब आदमी बोल दिए कि इतनी लकीर लंबे ही खींचे हैं उसके आगे जाना है, क्या केवल कुलपति प्रतिकुलपति और रजिस्ट्रार से लकीर आगे बढ़ेगा, उस लकीर को बढ़ाने में आप सबों का सहयोग चाहिए, निश्चित रूप से वह लकीर बढ़ेगा, यदि अकेला छोड़ दीजिएगा तो वह लकीर ज्यों का त्यों रहेगा, इसीलिए
आप सभी कर्णधार हैं और आप सभी इसके एक एक ईंट एक एक चीज के भवन बनता है, आप लोग एक एक तत्व हैं और उन सभी से मिलकर यह विश्वविद्यालय आगे बढ़ेगा, विकसित होगा। इस अवसर पर प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉक्टर आभा सिंह ने कहा कि कुलसचिव विश्वविद्यालय की धुरी होते हैं। विश्वविद्यालय का निर्माण एवं विकास बहुत हद तक कुलसचिव पर निर्भर करता है। यह विश्वविद्यालय जो है उसमें रजिस्ट्रार का पद ऐसा होता है जो विश्वविद्यालय की धुरी होता है। ऑर्डर्स मिलते हैं, ऑर्डर्स उच्च अधिकारी पास करते हैं, लेकिन उन ऑर्डर्स का क्रियान्वयन यदि रजिस्ट्रार के द्वारा नहीं किया जाए, कई जगहों पर होता है कि रजिस्ट्रार चाहें तो उसको ठंडे बस्ते में रख देते हैं और पास किया हुआ ऑर्डर भी धूल खाते रहता है। तो विश्वविद्यालय की धुरी है रजिस्ट्रार, धुरी है यानी कि कोई चक्का है, पहिया है जिसमें धुरी होती है, यानी कि वो मैकेनिकल चीज हो जाता है। और मैकेनिकल की बात जहाँ होती है, मैकेनिक्स की बात जहाँ पर होती है, वहाँ पर संबंध मशीनी होता है, जैसा मैकेनिकल से ही आप समझ सकते हैं। और मशीनीकरण में काम आगे बढ़ नहीं सकता है उस तरह से जिस तरह से कि पारिवारिक माहौल में बढ़ता है। और हमारे निवर्तमान रजिस्ट्रार साहब की सहज स्मित ने विश्वविद्यालय में पारिवारिक माहौल को एक नई ऊर्जा दे करके रखी। विश्वविद्यालय एक परिवार है उसको हम सभी ने महसूस किया। तो रजिस्ट्रार साहब, निवर्तमान रजिस्ट्रार साहब, आपकी कमी हम सभी महसूस करेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि यह हर व्यक्ति में नहीं होता है। हम ये जरूर अपेक्षा करते हैं कि आपसे सीख करके जिन लोगों ने आपके साथ काम किया है वह आपसे जरूर इस गुण को सीखे होंगे और उस गुण को हम लोग यदि अपने व्यवहार में उतारेंगे तो निश्चित रूप से पॉजिटिविटी का वातावरण होगा विश्वविद्यालय में और काम सहज गति से आगे बढ़ेगा। मैं समझती हूँ और कपिल देव बाबू ने जिस तरह से अभी हम लोगों को संबोधित किया कि यह एक अत्यंत हर्ष का क्षण है। 65 साल की सेवा के उपरांत स्वस्थ रूप से शरीर और मन से स्वस्थ रहते हुए जब व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है तो यह अत्यंत हर्ष का विषय है। निश्चित रूप से प्रोफेशनली हम लोग आपको मिस करेंगे, लेकिन पर्सनल संबंध जो हम लोगों के बने हैं वो हमेशा बने रहेंगे। जैसा कि अभी सभी लोगों के साथ सभी लोगों ने अपने अपने उद्गार व्यक्त किए, सबों के साथ इनका पर्सनल संबंध रहा है, तो मैं ये कामना करती हूँ कि कपिल देव बाबू का आगे का जीवन दीर्घ हो, स्वस्थ हो और जीवन में जो कुछ भी इनको अभी तक आकांक्षाएं तो मानव के साथ जुड़ी ही रहती हैं, जो आकांक्षा इनकी पूरी नहीं हुई है वह आकांक्षा पूरी हो और संपूर्ण समाज में यह स्नेह बिखेरते रहे। मैं जो वर्तमान रजिस्ट्रार साहब जिन्होंने आज कार्यभार ग्रहण किया है उनको मैं शुभकामना देती हूँ, क्योंकि अभी इनके सामने लंबा कार्यकाल है, तो मैं उम्मीद भी करती हूँ कि यह निश्चित रूप से अपनी कार्यशैली से विश्वविद्यालय को गति देंगे, अपनी ऊर्जा से विश्वविद्यालय के एक एक पक्ष को, क्योंकि रजिस्ट्रार अभी 2-4 दिन पहले कोई ऑफिसर आए थे मेरे कमरे में तो मैंने पूछा कि किसी काम के लिए, कि इसके लिए भी रजिस्ट्रार की ज़रूरत होती है, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, रजिस्ट्रार तो ऑल इन ऑल होते हैं।
मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस बात को पॉलिनॉल होते हैं तो भाई जिम्मेवारी बहुत ज्यादा होती है, तो उस जिम्मेवारी का निर्वहन आप अच्छी तरह से करें, इसी शुभकामना के साथ। समारोह में वित्तीय परामर्शी नरेंद्र प्रसाद सिन्हा, DSW प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार यादव, कुलानुशासक डॉक्टर विश्वनाथ विवेका, CCDC डॉक्टर इम्तियाज अंजुम, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर नवीन कुमार, ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर KP यादव, BSS कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर संजीव कुमार, वित्त पदाधिकारी राम बाबू महतो, शिक्षक संघ के महासचिव डॉक्टर अशोक कुमार, BN मुस्टा के महासचिव डॉक्टर नरेश कुमार, NSS समन्वयक डॉक्टर अभय कुमार, परिसंपदा पदाधिकारी VP यादव, BAO डॉक्टर MS पाठक, डॉक्टर SK पोद्दार, पूर्व महाविद्यालय निरीक्षक डॉक्टर उदय कृष्ण, उप कुल सचिव पंजीयन डॉक्टर दीनानाथ मेहता, विकास पदाधिकारी डॉक्टर ललन प्रसाद अद्री, कुलपति के निजी सहायक शंभू नारायण यादव, सीनेटर प्रमोद कुमार, PRO सुधांशु शेखर, क्रीड़ा विभाग के उप सचिव डॉक्टर शंकर कुमार, डॉक्टर राजेश्वर राय, डॉक्टर विनोद कुमार यादव आदि उपस्थित थे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। कृपया BNV संवाद को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर करना नहीं भूलें।